एक बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रमेश नाम का एक बांस काटने वाला रहता था। हर सुबह वह बांस काटने के लिए जंगल में जाता था और फिर उसे बाजार में बेचने के लिए सामान बनाता था। वे एक गरीब पति पत्नी थे जिनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वे एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में बांस काटते समय रमेश ने जंगल के बीच में एक अजीब बांस देखा। बांस चमकदार पूर्णिमा की तरह चमक रहा था। उसने सावधानी से बांस को हल्के से काटा ताकि उसे खोल सके। फिर उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अंदर एक छोटी सी लड़की थी। वह रमेश के अंगूठे जितनी बड़ी थी। वह तो अब तक की सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे ध्यान से अपने हाथों में लेने का सोचा और अपनी पत्नी को दिखाने का सोचा। अरे सुनो, जल्दी इधर आओ, देखो मैंने क्या पाया है, रमेश ने उसे बताया और फिर धीरे से अपने हाथ खोले। तुरंत उनका पूरा घर जगमगा उठा। पति पत्नी तो आश्चर्य में ही थे। अरे ये तो चांद की तरह चमक रही है, ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, मुझे लगता है हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। पत्नी ने एक कपड़ा लिया और उस पर चांदनी को रख दिया। तभी खिड़की से एक नर्म हवा चली और छोटी लड़की पत्नी के हाथों से उड़ गई। जब हवा बंद हो गई, वह छोटी सी लड़की एक बच्ची में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जल्द ही वह बहुत अमीर हो गए। उन्होंने चांदनी को एक शानदार जीवन दिया। कुछ ही समय में चांदनी सबसे खूबसूरत औरत बन गई थी। लेकिन बांस काटने वाले की और भी चिंताएं थी। गांव वाले उससे अपने घर की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पूछते रहते थे। एक रात जब चांदनी सो गई थी, तो रमेश ने अपनी पत्नी से बात की। उसने उससे कहा कि वह हमेशा तो घर पर नहीं रह सकती है, अब शादी तो उसकी करानी होगी। अगले दिन रमेश ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में पूछा। उसने उसे कहा कि नौजवान शादी करना चाहते हैं और कई लोगों ने उसका हाथ भी मांगा है। नहीं पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आप अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं पिताजी? अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब तुम हमेशा तो इस घर में ऐसे नहीं रह सकती हो ना। मैं तुम्हें कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम तुम उन नौजवानों से मिल तो लो। चांदनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें ना नहीं कह सकी। अगले दिन 5 युवा चांदनी को देखने के लिए आए। वह सभी उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं सके। वह इतनी खूबसूरत जो थी। चांदनी उन्हें देखती रही, मगर वह खुश तो नहीं थी। उसने अपनी बातों से कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैं चाहती हूँ आप सभी अलग अलग जगह जाएं और ये चीजें प्राप्त करके मेरे पास लाएं। मैं केवल उसी से शादी करूंगी जो मेरी मांगों को पूरा करे। पहले युवा को चांदनी ने एक साधु से पत्थर का बना एक कटोरा लाने को कहा, जो चांदनी से भी ज्यादा चमके। दूसरे युवा से उसने पूर्वी समुद्र के पास सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर उगने वाले एकमात्र पेड़ की एक शाखा लाने को कहा। इसकी जड़ें चांदी की बनी होती हैं और शाखाएं सोने से बनी होती हैं। उसने तीसरे युवा से चीन जाने को कहा और आग के चूहे की खाल लाने के लिए कहा। चौथे युवा से उसने गहने लाने को कहा जिसमें 7 रंग थे। यह तो एक अजगर के सिर पर पड़ा था। आखिरी युवा को उसने एक चिड़िया लाने को कहा
जिसके पेट में एक शंख है। चांदनी यह जानती थी कि ये सब कार्य असंभव है, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता के साथ हमेशा रहने का यह तरीका सही भी नहीं था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। वह युवा तो लौटे ही नहीं। रमेश ने अपनी पत्नी को यह बताया कि किस तरह वह सभी युवा असफल रहे। बस एक ही युवा लौटा। उसे साधु से पत्थर का बना कटोरा लाना था जो चांदनी से भी ज्यादा चमकता हो, लेकिन वह उसे चांदनी से ज्यादा चमकदार नहीं बना सका। फिर तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रमेश ने दरवाजा खोला और वह चौंक गया। यह राजा था। रमेश और उसकी पत्नी सम्मान पूर्वक उसके सामने झुके। आपको नहीं बल्कि मुझे आपके सामने झुकना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैंने उन चीजों के बारे में सुना है जो उन्होंने मांगी हैं, और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और यह पता लगाना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरे लिए उसके पास क्या कार्य हो सकता है। राजा चांदनी को देखने के लिए बहुत उत्सुक था और इंतजार करने लगा। जब वह अपने कमरे से बाहर निकली तो वह तो उसकी सुंदरता पे फिदा हो गया। उसने अब उससे शादी करने की ठान ली थी, लेकिन चांदनी को कुछ कहना था। देखिए राजा जी, मुझे पता है कि आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं, मेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे केवल एक चीज ही मांगती हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और आप मुझसे यह कभी ना पूछिए। यदि आप ऐसा चाहती हैं, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं? फिर इसी तरह राजा और चांदनी दोस्त बन गए और अक्सर मिला करते थे और गपशप किया करते थे। चांदनी के पिता ने भी बाकी युवाओं को घर में आने नहीं दिया। वे अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। एक रात जब वे चांदनी के कमरे में गए, उन्होंने देखा कि चांदनी खिड़की के पास बैठी थी। वे चांद को घूर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने उससे पूछा, पिताजी, एक सपना है जो मुझे हर रात आता है। मैंने आपको कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप चिंतित हों। मुझे ये सपना आता है कि चांद से कुछ लोग यहाँ आए हैं और वह मुझे लेकर जा रहे हैं। और कल रात मैंने एक आवाज सुनी और उससे मुझे पता चला कि वह दिन आ गया है। इस महीने के 15वें दिन वह मुझे लेने के लिए आएंगे, तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। रमेश यह सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी प्यारी बेटी को सुलाया और फिर चांद को देखा। इतने सालों में उसे पहली बार महसूस हुआ कि चांद थोड़ा सुस्त लग रहा है। वह चमकदार बिल्कुल भी नहीं है, मानो किसी ने चांद का प्रकाश छीन लिया हो। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। उसने तुरंत राजा को संदेश भेजा और उसकी मदद मांगी। राजा ने पत्र पढ़ा और फिर कसम खा ली कि कोई भी चांदनी को उससे दूर नहीं लेके जा पाएगा। 15वें दिन राजा ने चांदनी के घर के बाहर 2000 सिपाहियों को खड़ा कर दिया। वह सब अपने तीरों के साथ तैयार थे। रमेश चांदनी को तहखाने में ले गया, जहां उसकी माँ उसके पास थी। उसकी रक्षा करने के लिए हर कोई तैयार था। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। एक सुंदर गाड़ी ने इसके आसपास कई छोटे परियों के साथ उड़ान भरी। अचानक चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और संगीत की ओर उड़ चली। वह अपने तहखाने से बाहर निकल गई। वह अपने तहखाने से बाहर उड़ती चली जा रही थी और उसके माता पिता उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। परियों ने चांदनी को एक चांदी के चमकदार पंख के साथ छुआ
चांदनी के कपड़े भी बदल गए। वह कपड़े सफेद रंग के हो गए थे। उसने अपनी आंखें खोली। वह अपने माता पिता के पास गई। पिताजी, आपने मेरी इतनी देखभाल की है, लेकिन अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा। चांदनी बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। चांद सुस्त है क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। मैं चांदनी हूँ। मैं दिन के दौरान भटक गई थी और भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने पृथ्वी पर पैर रखा था। मैं खो गई थी, इसलिए मैं आराम करने के लिए बांस के पेड़ पर बैठ गई और आपने मुझे ढूंढ लिया था। तो बेटा, अब तुम चली जाओगी? तुम क्या हमें दूर छोड़कर चली जाओगी? माँ, मैं आपको हर रात देखने के लिए आऊंगी। केवल एक दिन आप मुझे नहीं देख पाएंगे, जब आकाश में कोई चंद्रमा नहीं होगा। और राजा जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे अब जाना होगा। चांदनी अपनी गाड़ी पर बैठी और खुशी से पृथ्वी पर अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उड़ान भरी। वह दुखी तो नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह हमेशा उन पर नजर रखेगी। रमेश और उसकी पत्नी ने अपने आंसू पोंछे और सुंदर चांद को देखा। राजा ने भी कभी भी किसी से शादी नहीं की। हर रात वह चांद को घंटों तक घूरता रहता और अपने प्यार को देखकर मुस्कुराता रहता। रमेश ने अपने बड़े घर को छोड़ दिया और वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। यही एकमात्र तरीका था कि रात में छत के माध्यम से चांदनी उनके घर में आ सके। बांस काटने वाले और उसकी पत्नी ने अपना जीवन शांति से व्यतीत किया।